नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर वापस दुबई भेजी गई डेबी एब्राहम्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उनके वीजा को कैंसिल कर दिया गया था। उन्हें समय रहते इन्फॉर्म भी किया गया था, लेकिन फिर भी वो दिल्ली चली आई थी और वो ब्रिटेन से आती हैं और कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने पर विरोध जता चुकी हैं। यही है ना जो आप डेबी इब्राहिम्स के बारे में जानते हैं। अब हम आपको डेबी से जुड़ा एक ऐसा राज बताते हैं जिसे जानकर आप खुद ही कह उठेंगे कि अच्छा किया भारत सरकार ने जो डेबी को भारत के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। वो सच ये है कि डेबी पाकिस्तान के लिए काम करती हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के इशारे पर काम करती हैं डेबी इब्राहिम्स। डेबी का पाकिस्तान और भारत विरोधियों से काफी पुराना नाता रहा है। डेबी कश्मीर पर एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ग्रुप का संचालन करती हैं, जिसके ज्यादातर सदस्य पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सदस्य हैं। ब्रिटेन में बने ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कश्मीर ग्रुप की चेयरमैन है डेबी। ये वही ग्रुप है जो बातचीत के जरिए कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को समर्थन देने और कश्मीर में मानवाधिकार हनन की घटनाओं को उजागर करने के साथ साथ लोगों को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़ने का दावा करता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप का कोई भी सदस्य भारतीय मूल का नहीं है और डेबी का पाकिस्तान के लिए काम करने का दावा और पक्का तब हो जाता है जब वो यूके की संसद में ऑल्डम ईस्ट एंड सेडलवर्ड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां पाकिस्तानी मीरपुरी समुदाय के लोगों की बड़ी तादाद है। साल 2019 के नवम्बर महीने में ही APPKG को अपडेट किया गया, जिसके मुताबिक इस ग्रुप के सीनियर वाइस चेयर लेबर सांसद इमरान हुसैन हैं। इमरान हुसैन ब्रैडफोर्ड से सांसद हैं और ये भी पाकिस्तानी मूल के ही हैं, जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते रहे हैं। इसके अलावा वो इमरान हुसैन ही थे जिन्होंने ब्रिटेन के एक स्थानीय अखबार से कहा था कि कश्मीर में जो हो रहा है वो एक युद्ध अपराध है। इन साहब के अलावा लॉर्ड नजीर अहमद हैं, जो कि इस ग्रुप के ऑनरेरी प्रेसिडेंट हैं और ये 5 अगस्त के बाद 15 अगस्त को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने हुए ब्रिटिश पाकिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन के मुख्य वक्ताओं में शामिल थे। ये प्रदर्शन काफी हिंसक हो चला था और इसमें भारतीय उच्चायोग को भी नुकसान पहुंचाया गया था। अब APPKG के ऑनरेरी प्रेसिडेंट अफजल खान भी पाक में ही पैदा हुए हैं। वो मैनचेस्टर गॉटन से लेबर पार्टी के सांसद चुने गए हैं। अफजल खान ही वो शख्स हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को पत्र लिखकर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मांग की थी कि वो भारत सरकार की कार्रवाइयों और कश्मीर के अधिग्रहण के लिए अनुच्छेद 370 को अवैध और असंवैधानिक तरीके से निष्प्रभावी बनाने के फैसले की कड़ी आलोचना करें। एक और सदस्य है इस ग्रुप के सेक्रेटरी, जो कि पीओके के कोटली में पैदा हुए, नाम है लॉर्ड हुसैन। हुसैन अक्सर भारत की निंदा करते देखे जाते हैं। सीनियर वाइस चेयर जैक ब्रेटन स्टोक ऑन ट्रेंट से कंजर्वेटिव पार्टी से सांसद हैं। ब्रेटन ने विदेश मंत्री डोमिनिक राव को कश्मीर पर पत्र लिखा था। उनके मुताबिक आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी बनाने से खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गई है और इससे तनाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि जिस तरह के कार्यक्रम APPKG आयोजित करता है और पाकिस्तान के जिन अराजक तत्वों को विरोध के लिए न्योता देते हैं, उससे अगर इन सभी लोगों का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन निकल भी आता है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। और इस पर बीजेपी के मंत्रियों को या नेताओं को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। इस पर कांग्रेस के एक नेता टिप्पणी कर चुके हैं और डेबी का पाकिस्तान से कनेक्शन साफ कर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने डेबी का लौटाया जाना जरूरी बताया था। ट्वीट करके कहा था, डेबी इब्राहिम्स को भारत द्वारा वापस भेजा जाना वाकई बेहद जरूरी था, क्योंकि वो सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं, जो पाक सरकार और ISI के साथ अपनी नजदीकियों के लिए जानी जाती हैं। भारत की संप्रभुता पर हमला करने के हर प्रयास को विफल करना होगा। हालांकि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने डेबी को भारत में प्रवेश देने का समर्थन किया था। तो डेबी अपने किसी रिश्तेदार से नहीं बल्कि कश्मीर के अपने एजेंडे के साथ भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी। क्या डेबी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कश्मीर के मुद्दे पर मदद करने के लिहाज से भारत में आना चाहती थी? अगर इस सब सवालों के हमारे पास जवाब नहीं है, तो सबूत हमारे पास इस बात के भी नहीं है कि डेबी किसी नेक इरादे से भारत में प्रवेश करना चाहती थी, क्योंकि कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कश्मीर का राग अलापना 6 महीने के बाद तक तो छोड़ नहीं पाए हैं और वो इसके लिए डेबी को भारत भेज भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको एक और दिलचस्प बात यह भी बता दें कि भारत से वापस दुबई भेजे जाने के बाद डेबी कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान पहुंच गई।
अब ये उनका पाकिस्तान से कनेक्शन नहीं है तो और क्या है। देवी ने तो भारत से लौटाए जाने के खिलाफ मोदी सरकार की आलोचना भी की थी। कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना करने की वजह से एंट्री नहीं देने का आरोप भी लगाया था। डेबी इब्राहिम से ही अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और भारत सरकार की नीतियों की आलोचना की थी।